सो गाइस यहां पे टेरा लूना होल्डर्स के लिए एक से एक खबरें आती जा रही हैं। जो कम्युनिटी जिस हिसाब से काम कर रही है वो बहुत ज्यादा तारीफ वाली बातें हैं। जहां पर ये कॉइन ड्रॉप हो जाता है और सबको लॉस कर देता है, आज यही कॉइन कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। जिन्होंने अभी रिसेंटली एंट्री ली है डीप में, या फिर जिन लोगों ने पहले एंट्री ली थी जब ये डूबा था उस समय भी, कहीं ना कहीं खुशी हो रही है क्योंकि अब जो हलचल शुरू हो गई है वो कॉइन बेस को लेकर हो गई है। कॉइन बेस में कहीं ना कहीं लिस्टिंग होने के आसार नजर आ रहे हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा डाला जा रहा है। क्या होगा कॉइन बेस में अगर लिस्टिंग हो जाती है, फ्यूचर क्या होगा, और आज से एक साल बाद टेरा लूना कहां देख सकते हैं, हर चीज की ओर बात करेंगे। शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसे बेस्ट वीडियोस मैं देते रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं टेरा लूना कॉइन के बारे में। अगर आप चार्ट की बात करें इस समय तो चार्ट बहुत अप ट्रेंड में बुलिश चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो पैसे जिन्होंने लगाए हैं उनको एक अच्छी अलग प्रकार की खुशी मिल रही है, क्योंकि और जो लोग ऑलरेडी लॉस में थे उनको भी, क्योंकि यहां पर जो ड्रॉप देखने को मिला है, जो बार बार बेकार से बेकार खबरें आती जा रही हैं, कभी दो कॉइन को अरेस्ट की वारंट आ जाता है वहां पे कॉइन ड्रॉप होता है, कभी मार्केट डाउनग्रेड में चला जाता है वहां पर आपको बेरिश मोड में डूबना पड़ता है पैसे, यहां पर जो चीजें निकल कर आ गई है वो बहुत ज्यादा इस समय ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है 1,54,000 ट्वीट्स के साथ कि भाई कॉइन बेस पे लिस्टिंग करो। यहां पर बहुत छोटे छोटे ट्विटर हैंडल वाले लोग नहीं, यहां पे बहुत बड़े बड़े लोग भी चाहते कि टेरा लूना कॉइन बेस पे आए। अब आप देखते होंगे रिसेंटली 7,000-10,000 वाले जो ट्रेंड्स है ट्विटर पे ट्वीट जो करते हैं वो तो ठीक है, वो ट्रेंड पे आना चलता है, बट 1.5 लाख जब आप देखते हैं, शिबा इनू भी मैक्सिमम 40-50 क्रॉस कर पाता है ट्वीट्स के साथ ट्रेंडिंग में, बट ये 1,54,000 है। इसका मतलब कम्युनिटी देख रहे हैं आप कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और कहीं ना कहीं जब रॉबिनहुड पे लिस्टिंग हो सकती है शिबा इनू की प्रेशर करके, लोगों का प्रेशर डाल के कि भाई वहां होना चाहिए कॉइन, हालांकि फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब वो चीज पॉसिबल हुई है कम्युनिटी के थ्रू, वैसे ही ये चीज भी कहीं ना कहीं पॉसिबल हो सकती है। इफ ये लिस्टिंग हो जाती है आने वाले टाइम पर तो आपको एक बहुत बड़ा बुलिश देखने को मिल सकता है। अभी जो प्राइस चल रहा है वो अप्रॉक्स चल रहा है 2 पैसा। आज से 5 महीने पहले यही कॉइन जो है 0.001 पे चल रहा था, जिसमें 10 अपकिल हो चुका है। और आने वाले टाइम पे अगर ये लिस्टिंग हो जाती है और कम्युनिटी इसी तरह से स्ट्रांग बनती चली जाती है तो कोई भी मुश्किल नहीं हो सकती है कि कहीं ये टेरा लूना 1 रुपए भी चला जाए, क्योंकि जिस हिसाब से कम्युनिटी स्ट्रांग होती जा रही है, लोग और लोग जुड़ते जा रहे हैं, जहां पे कॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, यहां पे ट्रस्ट जो है ये कॉइन धीरे धीरे गेन कर रहा है। साथ ही में वॉचलिस्ट जो है 10 लाख क्रॉस कर चुकी है कॉइन मार्केट कैप में, जो कि कहीं ना कहीं अब बहुत तेजी से और बढ़ती चली जा रही है। तो होप करते हैं फ्यूचर इसका अगला साल बहुत ज्यादा ब्राइट हो सकता है, क्योंकि अभी भी 3 से 4 महीना बचा है, वहां पर अभी और ज्यादा आपको नई नई खबरें देखने को मिल सकती है। कॉइन बेस पे लिस्टिंग के बाद अगर 1.2 बर्न वाला सेक्शन भी इनेबल कर दिया जाता है, फिर तो कोई बात ही नहीं कि ये कॉइन बहुत ऊपर जा सकता है। तो जब भी ऐसे अपडेट्स आते हैं मैं चैनल पे जरूर अपडेट करूंगा। मेक श्योर है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया है, एंड अगर आपको वीडियो कहीं भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो किसी भूले भटके की हेल्प कर सकता है तो उसके साथ शेयर जरूर करना, एंड टेलीग्राम की कम्युनिटी अभी तक मेरी ज्वाइन नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी रिसेंट अपडेट जल्दी अपडेट आते हैं वो सब पोस्ट करते रहता हूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।